मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने सीएम को स्वयं जबलपुर का प्रभार न लिए जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और कहा पुराने घाव भरे नहीं हैं कि नया घाव मिल गया। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई की मांग थी कि जबलपुर का प्रभार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं लें। प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में जबलपुर जिले का प्रभार लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को दिया गया, जिस पर पूर्व मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा नेता और पाटन विधानसभा से विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि गोपाल भार्गव बहुत ही अनुभवी नेता हैं, साथ ही मेरे अभिन्न मित्र भी हैं। उनको जबलपुर का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई मैं देता हूं, पर मेरी अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जिले का प्रभार लेते। मुख्यमंत्री जी ने जो घाव जबलपुर को दिए थे वो घाव अभी भी हरे हैं, भरे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल जबलपुर जिले को जो भी प्रभारी मंत्री मिला है उनके साथ मिलकर जबलपुर के विकास के लिए काम किया जाएगा। गोपाल भार्गव जी वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। उनको जबलपुर का प्रभार मिला है, उनका स्वागत है, मुझको प्रसन्नता है। परंतु हमारी अपेक्षा ये थी कि इसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री जी लेते, क्योंकि जबलपुर अभी भी उस घाव को नहीं भूला है। वो घाव आज भी हरा है जो मुख्यमंत्री जी ने महाकौशल को और जबलपुर को दिया है। हम उम्मीद करते थे कि स्वयं यहाँ का प्रभार लेंगे तो उसके कारण उस घाव पर मरहम लग पाएगी। मुख्यमंत्री जी ने शायद हमारे जो निवेदन को स्वीकार करने योग्य नहीं समझा। अब जो भी मिला है उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जबलपुर की बेहतरी के लिए प्रयास करते रहेंगे। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास इतना समय नहीं है कि वे अलग से जबलपुर को समय दे सके। यही वजह थी कि शायद उन्होंने जबलपुर जिले का प्रभार लेने में रुचि नहीं दिखाई। जिस तरह से अजय विश्नोई लगातार ट्वीट के जरिए अपनी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, उससे साफ तौर पर उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। अजय विश्नोई ने कहा कि महाकौशल से किसी भी विधायक को मंत्री ना बनाकर मुख्यमंत्री जी ने घाव को हरा कर दिया है और यह जख्म महाकौशल वासी भूलेंगे नहीं। मैंने कहा ना, शायद उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार योग्य नहीं समझा या स्वयं उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जबलपुर के लिए अलग से समय दे पाते, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अरे महाकौशल के घाव के बारे में सबको पता है, यहाँ का जो उन्होंने मंत्रिमंडल में जो किसी को रखा नहीं, वो घाव के आज भी महाकौशल के लोग भूले थोड़ी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।